परिनिर्वाण दिवस पर पहुंची है बाबा साहब अंबेडकर जी के, तो ये सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आपके सामने। वो बाबा साहब जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया, संविधान का निर्माण किया, और आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। और ऐसे में बीएसपी के तमाम बड़े कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में, अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन आज किया जा रहा है। और इसी फेरिस्त में बसपा भी लगातार कई कार्यक्रमों का आयोजन करी। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं परिनिर्वाण दिवस की, मायावती पहुंची हैं, बाबा साहब भीम अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने, पुष्पांजलि अर्पित करने, उनके साथ और भी कई कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें, और संजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट देंगे इस पर। संजय, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है, तो ऐसे में बसपा प्रमुख मायावती ने जो बसपा का जो प्रदेश कार्यालय है माल एवेन्यू, वहां पर आकर के पुष्प अर्पित किया है। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो मौजूद है, क्योंकि मंडलवार सभी कार्यकर्ताओं को बसपा का जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ऐसे में लखनऊ मंडल का कार्यालय में और गोमती नगर में कार्यक्रम किया जा रहा है, और वही पूरे प्रदेश में भी मंडलवार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। साथी, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बसपा प्रमुख खुद पुष्प अर्पित किया है और अब ऊपर मूर्ति की ओर पहुंची है, वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे। तस्वीरों में आपको खुले तौर पर दिख रहा होगा कि किस तरीके से बसपा प्रमुख जो है कार्यालय में, जो बसपा का मुख्य कार्यालय है, उस कार्यालय में मौजूद है और वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर रही है। जी बिल्कुल, शायद इसके बाद हो सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, मीडिया ब्रीफिंग भी हो संजय मायावती की। जी, ज्यादातर तौर पर मीडिया से दूर रहने की आदत में की रहती है, तो ऐसे में उन्होंने जो ट्वीट करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कार्यों को, उनके तमाम जो समाज के लिए उन्होंने किया है, उन तमाम कार्यों को उन्होंने ट्वीट करके उसे सूचना प्रेषित की है। बट माना जा रहा है कि बस पुष्प अर्पित करके सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए सीधे वो अपने आवास निकल जाएंगी। स्वाति जी, संजय क्या माना जाए, क्योंकि ये देखिए जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या यहाँ से कुछ धार मिल पाएगी बसपा को? बिल्कुल, निकाय चुनाव स्तर पर है और आरक्षण की कल सूची जारी हुई है, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मायावती की नजर निकाय चुनाव पर होगी और निकाय चुनाव किस तरीके से मजबूती से लड़ा जाए, क्योंकि पिछले कई चुनाव से जिस तरीके से लगातार असफलताएं मिल रही है, तो अब उस मुद्दे को और तेजी से कैसे ढाल दिया जा सके और बसपा फिर से एक बार वैसे ही मजबूत हो जैसे सरकार बना सके। आमतौर पर अगर देखा जाए तो मायावती आमतौर पर लोगों से बहुत ज्यादा मुखातिब नहीं होती, मीडिया में बहुत ज्यादा मौजूदगी उनकी दर्ज नहीं होती, बाइट्स वगैरह भी देने में बहुत वो बचती हैं आमतौर पर, और ये कहा जाता है कि इस वक्त बसपा गुपचुप तरीके से रणनीति बना रही है आगामी चुनाव। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि बसपा हरदम से ग्राउंड की पार्टी मानी जाती रही है, ग्राउंड में चुपचाप तरीके से, क्योंकि ऐसे समाज से लोग इनके कैडर वोटर है जो सीधे तौर पर समाज में रहते हैं, तो ऐसे में वो धीरे धीरे और बिना किसी मीडिया के फोकस के तमाम जो तमाम प्रचार प्रसार है उससे दूरी बनाते हुए अंदर ही अंदर कैडरवार जो तैयारियां हैं वो उनकी लगातार चलती रहती हैं, मंडलवार समीक्षाएं उनकी लगातार चलती रहती है। तो तस्वीरें बता रही है कि कुछ परफेक्ट करके अब उसी के तौर पर गाड़ी की तरफ बढ़ रही है, तो आज बसपा में जो कार्यालय है वहां पर परिवार निवास मनाया गया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, और अब यहाँ से रवाना होने की स्थिति में है। बिल्कुल संजय, कुछ खास लोग भी इस तस्वीर में नजर आए जो उनके साथ ज्यादातर मौजूदगी उनकी रहती है, कुछ कार्यकर्ता नजर आए? बसपा के जो राष्ट्रीय महासचिव है सतीश मिश्रा जी वो मौजूद थे, तमाम यहाँ के जो मंडल के पदाधिकारी हैं वो मौजूद थे, लखनऊ के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद दिखे, तो कुल मिलाकर के सीधे तौर पर जो प्रमुख कार्यकर्ता प्रमुख पदाधिकारी लखनऊ मंडल के हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। साथ ही बिल्कुल आगे की क्या रूपरेखा होगी संजय, इसके बारे में क्या जानकारी है? कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं जो बसपा प्रमुख हैं वो, और उसके बाद सीधे तौर पर वो यहाँ से अपने आवास के लिए निकल जाएंगे, तो क्योंकि काफी लंबे समय बाद मंडल के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए हैं, तो ऐसे में उनसे मुलाकात मुखातिब होते हुए निकलेंगी और सीधे तौर पर उसके बाद आवास जाएंगी। स्वाति जी बिल्कुल, और ये देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, और उसके बाद जो जानकारी हमारे सहयोगी संजय दे रहे हैं उसके बाद वो सीधे अपने आवास पर चली जाएंगी, और ये कुछ ट्वीट्स भी मायावती के सामने आ चुके हैं
जो ट्वीट्स किए हैं, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी है मायावती ने। संजय बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका।